सो गाइज, फाइनली हम पहुंच गए हैं इको गार्डन के अंदर और यहाँ पे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं दोस्तों। ये यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे, शॉर्ट वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो शॉर्ट वीडियो कैसे क्रिएट किया जाता है वो सभी लोग आप इसका रिव्यू यहाँ पे देख रहे होंगे। ये आप देखिए यहाँ पे, ये रिव्यू इसका हम फाइनली पूरा फुल रिव्यू दिखाएंगे पूरा अच्छे से दोस्तों। ये यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं और तैयारियाँ करने के बाद फिर यहाँ पे अभी ये लोग शूट करेंगे। तो पहले रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल करने के बाद फिर यहाँ पे फिर ये लोग शूट करते हैं। तो ये बारी बारी से करना होता है, कोई भी काम करेंगे रिहर्सल तो करना ही पड़ेगा, बिना रिहर्सल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग रिहर्सल यहाँ पे कर रहे हैं और रिहर्सल करने के बाद अभी देखना ये लोग कैसे रिहर्सल करेंगे फिर कैसे करेंगे। ये इनका एक्शन रेडी हो चुका है और ये कैमरा मैन इधर है, ये देखिए, ये फिर से ये लोग अच्छे से नहीं कर पाए हैं, अभी फिर से करेंगे ये लोग। अभी देखना बहुत अच्छे से ये रिएक्शन इन लोगों का देखिएगा। ये देखो सर उसमें लड़ा दिया ये देखे ये अभी तुम लोग देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से ये लोग शूट कर रहे हैं, लेकिन ये अभी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये एडिट हो के पूरा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है तब बहुत अच्छा ये यहाँ पे एक्शन लगता है। ये देखिए कैसे सिखा रहे हैं ये लोग, ये दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आरन है, आरन सिखाते हैं पहले और उसके बाद में सिखाने के बाद फिर वैसे ही करना है। देखना अभी आगे का रिएक्शन देखना। अभी ये लड़की उधर जाएगी और ये वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर ये वहाँ से ये रिटर्न आएगी और ये आरन को एक लात मारेगी और आरन ये गिर जाएंगे। आरन का तो सीन बहुत ही गजब का रहेगा, अभी देखना। ये लात मारने ही वाले हैं, ये मार दिया लात दोस्तों, ये देखिए ये लात मार दिया और ये अंधा बनने का नाटक करने लगी दोस्तों। और अभी ये सर उसके उसमें पटक देगा। ये लोग यहाँ पे मिस हो गए और ये लोग यहाँ पे कुछ मतलब अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाए। अच्छा स्टार्टिंग तो अच्छा रहा लेकिन बाद वाला अच्छे से नहीं रहा। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छा रहा लेकिन जब वहाँ पे लास्ट में सर लड़ाना था इन लोगों का तो सर अच्छे से नहीं लड़ा पाए। तो फिर से ये लोग वैसे ही करेंगे और फिर से करने के बाद ये कंप्लीट करेंगे दोस्तों। फिर से दोस्तों यहाँ पे ट्राई करते हैं और इस बार फाइनली यहाँ पे इन लोगों का बहुत अच्छा वीडियो शूट होने वाला है। और ये दोस्तों बिल्कुल हिट हुआ, बहुत अच्छा बन गया। और ये देखिए ये कैमरा मैन इधर है, बहुत अच्छा यहाँ पे वीडियो बन के तैयार होने वाला है इस बार। और इस बार फाइनली बन जाएगा, इस बार भी मिस हो गया, इस बार भी रह गया वीडियो और इस बार भी नहीं बन पाया है। तो दोस्तों फिर से यहाँ पे ट्राई करते हैं, फिर से इन लोगों को अच्छे से रिहर्सल कराना पड़ेगा, उसके बाद ही ये लोग बहुत अच्छा वीडियो यहाँ पे शूट कर पाएंगे। सो गाइज, आप लोग तो देख ही रहे होंगे एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए यानी कि कुछ सेकेंड का वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कड़ी धूप में दोस्तों। एक ही रील्स को बार बार ट्राई करना पड़ता है, कितनी बार ये लोग ट्राई कर रहे हैं और ट्राई करने के बाद मतलब कि बार बार वही चीज़ करते हैं, कितनी बार करते हैं उसके बाद जाके ये अभी तो ये वीडियो में यानी कि शूट करने में इतना टाइम लग रहा है। और ये वीडियो शूट करने के बाद उसके बाद एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद तब जाके कहीं ये वीडियो बन के तैयार होता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है तभी जाके ये कम्प्लीट बन पाता है। ये फाइनली दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर बन गया है और ये लोग अब यहाँ पे चेक करेंगे वीडियो कैसा बना है, जो कि वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है दोस्तों। तो गाइज यहाँ पे ये लोग एक शॉर्ट वीडियो बना के तैयार कर चुके हैं और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट रील की तैयारी कर रहे हैं कि नेक्स्ट रील कौन सी बनानी है, कैसा वीडियो बनाना है। वो लोग यहाँ पे वीडियो देख के चूज कर रहे हैं और दूसरा वीडियो यहाँ पे चूज करने के बाद फिर उसी पे शूट करेंगे। तो दोस्तों आगे का हम अभी दिखाते हैं। अभी ये लोग मस्ती भी करते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। मेहनत ये ऐसे करते हैं कि गर्मियों का टाइम चल रहा है, गर्मियों में आप देख रहे होंगे धूप कितनी ज़्यादा है और उस धूप में ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तब जाके इन लोगों का ये वीडियो तैयार हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसे बन के ये लोग तैयार हो पाता है तभी जाके वीडियो कम्प्लीट होता है। ये लोग देखिए यहाँ पे ये लोग धूप में इतनी मेहनत करते हैं। मेकअप कर रहे हो क्या आर्यन? मुझे लगा मेकअप कर रहे हो ये लोग बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। मेरा ये कैमरामैन फिर से रेडी हो गया है और फिर से ये नया नेक्स्ट रील यहाँ पे तैयार हो गया है बनने के लिए। ये दोस्तों ये यहाँ पे शूट ये बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बेस्ट हो रहा है। ये देखिए गाइस, वाओ, ये देखिए बिल्कुल बेस्ट, ये बहुत अच्छी रील बन के तैयार होगी और ये रिएक्शन बिल्कुल बहुत ही गजब का बन के तैयार होगा दोस्तों। अब ये बन के तैयार हो गया है, जितना मेन मेन रील है वो कट करके बिल्कुल सही कर लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद ये पोस्ट करेंगे। ये बिल्कुल बेस्ट यहाँ पे बन गया है और ये मोबाइल में अपने यहाँ पे
चेक कर रहे हैं, ये देखिएगा, देखो सचिन ये वाला भी दे रही है, ठीक? ये देखिए ये चलेगा, इतना बेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों अभी तक आप क्या देख रहे थे, ये सामने से इसका मतलब जो पोजीशन हुआ था बिल्कुल सामने से ये रील बनके क्रिएट हुई थी। लेकिन दोस्तों क्या आप देखते होंगे जो रील्स होती हैं वो सिर्फ एक ही पोजीशन से नहीं रिकॉर्ड की जाती हैं, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मूवी शूट होती है, मूवी शूट होने में थोड़ा थोड़ा पार्ट शूट किया जाता है, कभी मतलब आगे से, कभी पीछे से, कभी साइड से। तो दोस्तों ये लोग भी क्या कर रहे हैं, वहीं वैसा ही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सीन हुआ था वो आगे से हुआ था और अब ये लोग तैयारियां कर रहे हैं ये साइड से और पीछे से, यानी कि साइड से और पीछे से दोनों का रिकॉर्ड हो। पहले जब रील्स बनके तैयार होगी तो सामने से ये लोग रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद जो इसका रिएक्शन होगा फिर से, तो ये लोग पीछे से, मतलब कि पूरा इफेक्ट वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ट्रांजेक्शन जैसे वीडियो का चेंज होगा, तो फिर वहाँ पे मतलब पीछे का पोजीशन शो करेगा, जिससे कि रील्स बहुत ही इफेक्टिव लगे, बहुत ही अच्छी लगे। तो दोस्तों उस चीज़ का ये लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। दोस्तों ये रील यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, लेकिन हम क्या कर रहे थे कि इन लोगों का रिएक्शन शूट करते करते इनके सामने ही आ गए थे। तो दोस्तों इस रील्स को फिर से भी कट कर दिया गया, और फिर से इस रील को कट करने के बाद फिर से रीशूट किया जाएगा इस रील को। तो दोस्तों चलते हैं फिर से इसको दोबारा से यहाँ पे शूट करते हैं दूसरे एंगल से। इन लोगों की रील्स फिर से रह गई क्योंकि बहुत अच्छी नहीं बना पाए थे, तो फिर से ओवरटेक कर दिए हैं, फिर से रील्स को फिर से बनाएंगे। तो फिर से ये बना रहे हैं, देखते हैं इस बार ये लोग कंप्लीट बना लेते हैं या फिर से इन लोगों को बनाना पड़ेगा। तो लग तो रहा है कि रील्स बहुत अच्छी बनके तैयार हो रही है और उम्मीद है ये रील्स परफेक्ट बन जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों ये बनके तैयार हो जाती है या नहीं। आर्यन बताइए ये बनके तैयार हो गई है या नहीं, देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे ये लोग रील बना चुके हैं, अब कुछ जगह चेंज करना चाहिए, लोकेशन चेंज करना चाहिए, तभी तो ये रील्स इफेक्टिव लगेंगी। क्योंकि अगर एक ही जगह पे सारी रील्स बनाएंगे तो फिर रील्स जो बंदा देखेगा वो एक रील देखने के बाद दूसरी रील पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर बोर होने लगेगा। तो इसके लिए फिर अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये लोग अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं, अब दूसरी लोकेशन पे जाएंगे, दूसरी लोकेशन पे जाके फिर दोस्तों वहाँ पे जाके ये लोग वहाँ पे वीडियो को शूट करेंगे। तो दूसरी जगह भी इन्होंने चूज कर लिया है, ये देखिए दोस्तों, ये अब लोग यहाँ पे बैठ के पहले रील्स को मतलब ढूंढेंगे कि किस कौन सी रील्स बनानी है, कौन सी नहीं बनानी है, फिर जाके ये लोग अगली रील्स की तैयारी करेंगे और बनाएंगे। दोस्तों देखते हैं अगला रिएक्शन। तो दोस्तों मैडम जी वीडियो शूट करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, जिससे कि धमकी दे रही हैं कि बार बार हम नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेहनत ही इतनी ज़्यादा लगती है, क्योंकि कितनी भी बार 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 इसको रिपीटेड करना पड़ता है, जब तक परफेक्ट रील्स बन नहीं जाती है तब तक एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार, कई बार दोस्तों शूट करना पड़ता है। तो फिर से नई एक रील की शुरुआत की जा रही है और फिर से नई एक रील्स शूट होगी। तो पहले ये लोग तैयारियाँ करेंगे और तैयारियाँ करने के बाद फिर जाके ये लोग शूट करेंगे। तो शूट करने के लिए ये यहाँ पे बात करेंगे और ये बात करते हुए ये दौड़ के जाएंगे और ये सचिन के गले लगेंगे। तो देखना दोस्तों ये बहुत ही गजब का सीन होने वाला है, इतना गजब का सीन होने वाला है कि आप देखेंगे तो एक बार में ही, उम्मीद करता हूँ कि एक बार में ही ये रील्स शूट हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये रील्स एक बार में शूट होती है या एक बार में शूट कम्प्लीट नहीं हो पाता है। तो देखते हैं दोस्तों और इंतज़ार करते हैं, बने रहिएगा दोस्तों, पूरे रील्स हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि कैसे शूट होती है ये दोस्तों स्टार्ट। अरे फिर से रीटेक हो गया, चलो कोई नहीं है, फिर से यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो फिर से यहाँ पे ये मिस हो गया, फिर से ट्राई करने वाले हैं दोस्तों। अरे सचिन यहाँ पे तुमको गुस्सा दिखाना है, गुस्से में बात करनी है, जब गुस्से में बात करोगे तभी तो ये आएंगे यहाँ पे दौड़ के, तभी तो तुमको गले लगाएंगे, तभी आपका मतलब जो गुस्सा होगा वो नॉर्मल होगा, तभी जाके रील्स अच्छे से कंप्लीट हो पाएगी। हाँ रेडी रहना, हाँ अब ये रील्स बननी स्टार्ट हो गई है और ये रील्स उम्मीद करता हूँ ये बन गई है, लेकिन नहीं बन पाई, इस बार फिर से रह गई, क्योंकि इस बार ये यहीं रह गई, ये दौड़ के वहाँ पर नहीं पहुँच पाई हैं। तो आर्यन जी थोड़ा एक बार आप करके दिखाइए, क्योंकि आप करके बताएंगे तभी जाके ये लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आर्यन जी आप खुद एक बार ट्राई करके बताइए कि कैसे करना है। तो वैसे ही हाँ बिल्कुल, हाँ यस बिल्कुल, आराम से गले लगना है, ऐसे ही बिल्कुल, ऐसे ही इस बार आपको करना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, क्योंकि इस बार फाइनली रील्स ये बन के कम्प्लीट हो जानी चाहिए, ये सामने वाला जो पोजीशन है ये बिल्कुल इस बार बन के एक ही बार में तैयार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही,
यस 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 बिल्कुल परफेक्ट रील बनकर तैयार होगी इस बार। इस बार बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। एक रील्स का शूट और लेना है जो कि बिल्कुल मतलब कि सामने से जब दौड़ते हुए आती हैं तब इनका रील्स का शूट कर लीजिएगा, वो जिसमें कि दिखेगा कि हाँ दौड़ते हुए आ रही हैं। ये दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए ये ऐसे दौड़ते हुए आएंगी और तब जाके गले लगेंगी, उसके बाद का सीन ये शो होगा, देखना बहुत ही गजब का लगेगा। तो दोस्तों ये व्लॉग और ये रील्स रिएक्शन यहीं पे अब कंप्लीट करते हैं और अब दूसरे वीडियो में हम आपको मिलते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से शूट करते हुए। दोस्तों ये वीडियो, ये जो रील्स रिएक्शन है ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्योंकि आप लोग बोर हो चुके होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो गाइज इसी के साथ ये पूरा ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करते हैं और ये लोग यहाँ पे अब घर जा रहे हैं अपने, और ये लोग सब्सक्राइब करें कि ना करें और लाइक कमेंट तो बहुत ही जरूरी है कि इन लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। तो दोस्तों और इस वीडियो में सबसे ज्यादा रिएक्शन किसका सबसे बढ़िया रहा ये चीज कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग।